हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर कि मैं गई थी। मिस्टर एंड मिस झारखंड का ऑडिशन चल रहा था हमारे शहर में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे भाग लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, बट मैं स्पेशली फॉर ऑडिशन देने मैं नहीं गई थी, मैं गई थी स्पेशली मेकअप करने के लिए। जो हमारे सर थे जिन्होंने हमें सिखाया था, जहाँ पर मैं सीखी थी रांची में, तो वो लोग यहाँ पे आए थे मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे। वो यहाँ पे जज बन के आए थे और उन्होंने बोला था कि बहुत कोई का मेकअप करना है, सारी मॉडल्स लोग का मेकअप करना था। तो स्पेशली मैं वहाँ पे गई थी मेकअप करने के लिए, बच्चों का मेकअप किया, फिर मॉडल्स लोग का भी मैंने मेकअप किया। तो सारा कुछ ये सब करना था, तो इसलिए मैं गई थी वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ऑडिशन दे देती हूँ, और मैं वहाँ पे गई थी, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला वहाँ पे। मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बट आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। बट मैं बस स्पेशली मेकअप करने के लिए गई थी, क्योंकि मैं हूँ खुद ही मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे मेकअप के लिए बुलाया गया था वहाँ पे। तो मैं गई थी मेकअप करने के लिए मॉडल लोग का, जिन जो भी लोग वहाँ पे ऑडिशन देने आए थे वहाँ पे भाग लेने के लिए। तो मैं उन सभी का मेकअप किया, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको का मेकअप किए। बहुत सारी लड़की लोग भी थी, सबको का मेकअप किए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं खुद का मेकअप कर ले रही हूँ, तब तो जाऊँगी ना। मैं यहीं से तैयार होकर के गई थी, और वहाँ पे जितनी मॉडल्स लोग आई थी मैंने सबको का मेकअप किया, और बच्चों का भी मेकअप किया, और किड्स का भी था, फैशन शो था, मतलब ऑडिशन था ऐसे ही। यहाँ पे मैंने फेस पे लगाया था कॉम्पैक्ट पाउडर, फाउंडेशन, ये सब सारा कुछ मैंने लगाया था। उसके बाद मैं ब्लशर, हाइलाइटर, कॉन्टोर, ये सब सारा कुछ कर रही हूँ बारी बारी से। और मैंने सोचा कि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ऐसा मौका मिल रहा है तो चलो चलना चाहिए, थोड़ा सा ऑडिशन दे ही देते हैं। मेरे में क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा पता चलता है। फर्स्ट टाइम मतलब शामिल हुए थे, और इतना कोई जितना मॉडल्स लोग आप लोग देख रहे हैं सबको का मेकअप मैंने किया था। और यहाँ पे मैं खुद येलो कलर की साड़ी पहन करके गई थी, मेकअप करके गई थी, यहीं से मैं मेकअप करके गई थी। और इतना गर्मी था कि पूछो ही मत, इतना ज़्यादा गर्मी था यहाँ पे। और ऑडिशन देने तो गए, लेकिन वहाँ पे गए तो सबको का मेकअप किए, मेकअप किए तो उसका चार्ज भी मिला। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में मेकअप करती हूँ, मेरा मेकअप प्रोडक्ट था और मैंने सबको का मेकअप किया तो मुझे पैसे भी मिले, क्योंकि मैं फ्री का कोई भी काम नहीं करती हूँ। और मैंने मेहनत किया तो भाई पैसा तो मिलना ही था, है ना। तो मैंने जितना भी मॉडल्स लोग का मेकअप किया तो मुझे वहाँ से भी इनकम हो गया। वहाँ पे मेरे सर लोग भी आए हुए थे और जान पहचान थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे मतलब ऑडिशन होने वाला है तो मॉडल्स लोग का मेकअप करना है, तो क्या तुम आ सकती हो। तो मेरे शहर में हो ही रहा था, तो फिर मैं भी चली गई, कोई बिना देर करते हुए मैं भी वहाँ पे गई सब मॉडल्स लोग का मेकअप करने के लिए। एक से एक मॉडल्स आई हुई थी, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, औरंगाबाद से, पटना से, रांची से भी कोई कोई आया हुआ था हमारे शहर में ऑडिशन देने के लिए। जगह जगह पे ऑडिशंस चल रहे हैं मिस झारखंड के लिए, मिस एंड मिस्टर झारखंड। किड्स लोग का भी था, सभी ने भाग लिया था, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी भाग लिए थे। फॉर्म भरने में लग रहा था 500 रुपीज़, जो भी लोग यहाँ पे ऑडिशन दिए सबको का 500 रुपीज़ लग रहा था। वैसे मैंने ऑडिशन नहीं दिया, मैं बस ऐसे ही मतलब मेकअप करने के लिए गई थी, तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट मैंने करवा लिया था। और ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे गई थी वहाँ पे ऑडिशन देने, मैं कोई मॉडल थोड़े ना होगी ऑडिशन देने जाऊँगी, बट फिर भी फर्स्ट टाइम मौका मिला था तो मैं वहाँ स्पेशली मेकअप करने गई, सबको का मेकअप किया। तब तक तो मेरा मेकअप खुद ही ख़राब हो गया था, बट फिर भी सबसे अच्छे हम ही लग रहे थे ऐसा मुझे लगता है। और वैसे सबसे पहले सबसे ऊपर में मेरा ही नाम भी था। वैसे तो मैं अपना ऑडिशन देने के लिए नहीं गई थी, बट मेरे कोई पैसा थोड़े नहीं लग रहा था, मेरा पैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं मेकअप आर्टिस्ट के रूप में गई थी वहाँ पे सबको का मेकअप करने के लिए। तो मैंने तो मेकअप किया तो मैं खुद ही उन लोगों से पैसे ले रही थी, तो मैं वहाँ पे फॉर्म भरने का या ऑडिशन देने का मैंने पैसा कुछ भी नहीं दिया वहाँ पे मैंने। और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सबसे फ्रंट पे मेरा ही नाम था, और जितने भी मॉडल्स आप लोग देख रहे हैं सब में सबसे फ्रंट पे मेरा ही नाम था। बट आगे पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे मुझे पता है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी आगे,
क्योंकि इसका फिनाले अभी नहीं हुआ है, हर जगह जगह पे हो रहा है। जैसे कि मिस झारखंड का है तो हर जगह जगह पे हो रहा है, रांची, हजारीबाग और रामगढ़, डाल्टनगंज, हर जगह जगह पे हो रहा था ऑडिशन। तो हमारे शहर में हुआ तो मैंने तो दे दिया, बट इसके बाद फिनाले जब होगा, जब हर जगह से जिसका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग आएंगे एक जगह, और उसमें कौन सा बेस्ट है वो चुना जाएगा, वो मिस एंड मिसेस झारखंड बनेगी। और लेकिन मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, मुझे पता है मैं नहीं जा पाऊँगी फाइनल में, फाइनल राउंड में। चलो जब हमारे शहर में हुआ तो मैं तो यहाँ शामिल हो गई। मैं कैसे कैसे मेकअप की हूँ सारा ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी को दिखाई हूँ। इस वीडियो में यहाँ पे मैं नायका का नेल पेंट लगा रही हूँ, ये रोज़ेस शेड है, काफ़ी अच्छा ये नेल पेंट है। और मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी, और मुझे ऐसा लगता है ना कि खूबसूरती छोटे कपड़ों की मोहताज नहीं होती है। वहाँ पे फैशन शो में हर लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन करके आई थी, और सब कोई वन पीस और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन करके आए हुए थे, लॉन्ग ड्रेसेस भी कोई पहने हुए थे, बट मैंने साड़ी वेयर किया हुआ था। मुझे लगा कि साड़ी सबसे बेस्ट है मेरे लिए, छोटे कपड़े ज़रूरी नहीं है कि इंसान खूबसूरत दिखे, तो छोटा कपड़ा में ही खूबसूरत दिखेगा, मैं साड़ी में ही कहर ढा रही थी। और यहाँ पे मैंने येलो कलर की साड़ी पहन ली थी, और मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है, बट फाइनल राउंड में मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे फैमिली ऐसे हैं कि मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे पता है पहले ही, भले ही मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया हो। और मैं ऑडिशन देने तो नहीं गई थी, मेकअप के लिए गई थी, बट सिलेक्शन हो भी गया तो कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाने भी दिया जाएगा तो भी मुझे पता है मैं क्या हूँ। वैसे भी इंसान जब बाहर निकलता है, बाहर के लोगों से मिलता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट है या नहीं है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जैसे कि फैशन शो हो रहा था, बहुत सारी मॉडल्स शामिल हुई, कोई कोई था कि मतलब वो लोग बहुत बार मॉडलिंग कर चुके हैं, वो आगे भी मतलब और भी ऑडिशंस दे रहे हैं, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, वैसे तो मैंने कभी किया नहीं है ये सब चीज़, बट आप लोग हमेशा से रिक्वेस्ट करते थे कि मैम आपको मॉडलिंग करना चाहिए, आप किसी मॉडल से कम नहीं हो। तो मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है, एक बार भाग लेकर के देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का एंकलेट निकाली थी, बट फिर मैं उसको साइड कर दी, और यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का एंकलेट निकाली हूँ, और ब्लैक कलर का हील्स मैं पहन लूँगी वहाँ पे, जब रैंप वॉक करना होगा ना तब मैं पहन लूँगी। और मैं सिंपल सा बस, आपने देखा मैंने मेकअप किया हुआ, गला में ये सब कुछ भी नहीं पहनूंगी, हाथ में बस एक एक कंगन मैंने पहन लिया है, और पैरों में एक एक एंकलेट, नेल पेंट भी मैंने लगा लिया है, बट मैं नहा करके आई थी, मैंने बाल में कंघी नहीं किया है, बाल में मैं कंघी नहीं करूँगी, बाल जब सूख जाएगा तो फिर बालों को मैं स्ट्रेट कर लूँगी पूरा। वैसे मेरा बाल पूरा गीला गीला ही था, और मैंने सारा कुछ कर लिया, और लास्ट में बस इयररिंग पहन लूँगी, छोटा सा बिंदी मैंने लगा लिया था, क्योंकि छोटा सा बिंदी से लुक पूरा डिफरेंट हो जाता है, लुक ही चेंज हो जाता है बिंदी से। और जब मैं ऑडिशन दे दी तो 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि मैम आप मिस हो या मिसेज हो, मैंने बोला मैं तो मिसेज हूँ। तो लोग बोले कि यहाँ तो मिस एंड मिस्टर एंड मिस झारखंड का ऑडिशन चल रहा था। मैं बोला कि मैं तो बस ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो यदि फाइनल राउंड भी होगा तो वहाँ पे भी यदि मेकअप करना होगा तो मुझे पूछा ही जाएगा, और वहाँ पे भी मैं चार्जेस लूँगी मेकअप का, क्योंकि मेकअप का प्रोडक्ट मेरा रहता है, मेहनत मैं करती हूँ। और मतलब जितना मतलब 50 मॉडल्स है तो सबका मेकअप करना, हाथ में दर्द हो जाता है उतना कोई का मेकअप करते रहना, सब कोई का हेयर स्टाइल करना, ड्रेसिंग सेंस सारा कुछ सबको समझाना, और कैसे करना है क्या करना है कैसे, मतलब हर चीज़ मतलब मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लग जाता है, और मेकअप करना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाता है, मतलब 50 लोगों का मेकअप करना, जितने लोग शामिल हुए हैं मॉडलिंग में सबका मेकअप करना, कोई घर से मेकअप करके आया है तो कोई लिपस्टिक ख़राब लगाया है, तो कोई आईलाइनर ख़राब लगाया है, सब कोई का ठीक करना, मतलब किसी का बाल स्ट्रेट करना, तो टाइम तो लगता है ये सब चीज़ में, मतलब बहुत टाइम भी लग गया था। और जब मैं उधर से आई ना तो मेरा तो पूरा हाथ पैर में इतना दर्द हो गया, वैसे मेकअप करते करते मेरा शोल्डर पूरा दर्द करने लगा था, क्योंकि बहुत कोई का मेकअप किए थे, बहुत सारी लड़कियों का, बच्चों का भी मेकअप किए थे, किड्स किड्स लोग भी बहुत कोई भाग लिए थे,
और इतनी छोटी छोटी 2-3 साल की बच्चियां भी भाग ली थी, और इतने अच्छे से रैंप वॉक कर रही थी कि क्या ही बताऊं, बहुत अच्छे से वो लोग रैंप वॉक कर रहे थे। उसका वीडियो मैं ले करके तो नहीं आई हूँ, बट मैं इंस्टाग्राम पे या फिर शॉर्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा मैं कैसे कैसे रेडी हो रही हूँ। वैसे मैंने अपने बालों में स्ट्रेट कर लिया था, मैंने सोचा कि बाल ऐसे ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैंने बालों को खुद से ही कटिंग भी किया था, और जाने के पहले मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया, और धूप इतना ज़्यादा था तो फिर मैं ओढ़ आड़ करके गई थी ऐसे ही पूरा फेस ढक करके। साड़ी मैंने पहन ही लिया था, सिंपल सा एकदम साड़ी मैंने पहना हुआ है, कोई भी ताम झाम नहीं कि इतना वर्क वाला मैं साड़ी पहन रही हूँ तो ही अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल सिंपल से साड़ी पहन लिया है और मैंने बालों को स्ट्रेट भी कर लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे लोग थोड़ा सा हल्ला कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं अपना हील्स ब्लैक कलर का पहन ले रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना ब्लैक कलर का हील्स पहन रही हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं फ्लैट पहनूँ, बट फ्लैट अच्छा नहीं लगता ना रैंप वॉक करने में, तो इधर से मैं फिर फ्लैट पहन करके गई, और वहाँ जब रैंप वॉक करना था तो मैंने सोचा कि मैं हील्स पहन लूँगी, बट मैं इतनी लंबी हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं जब हील्स पहनी ना तो फिर पीछे से साड़ी लग रहा था कि बहुत उठा हुआ है, जबकि मैं बहुत ही नीचे साड़ी पहनती हूँ, साड़ी का ही लंबाई चौड़ाई कम रहता है, कम पड़ जाता है मेरा हाइट के आगे क्या करें, तो फिर मैं हील्स खोल दी थी, फिर मैं फ्लैट पे गई, क्योंकि मैं ऐसे ही इतनी लंबी लग रही थी ना, मतलब जितनी मॉडल्स लोग थी सबसे लंबी मैं ही लग रही थी, और मैं एक दिन पहले ही बालों को काटी थी ना तो ये उठ उठ जा रहा था, मैं बहुत परेशान हो जा रही थी ये बालों को लेकर के। बाकी आप लोग मेरा सिंपल सा लुक देख सकते हो, मैं कैसे क्रिएट की हूँ अपना मेकअप लुक, सारा मैंने ट्यूटोरियल दिखाया स्टेप बाय स्टेप, और मैं जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। मैंने सबसे पहले अपना ही मेकअप कर लिया, उसके बाद ही तो करूँगी ना, तब तो लगेगा ना हाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, नहीं तो मैं खुद ही ख़राब दिखूँगी तो दूसरी मॉडल्स लोग को क्या सुंदर बनाऊँगी, इसलिए मेरा खुद पहले सुंदर होना ज़रूरी है, मतलब अच्छा दिखना ज़रूरी है सारा कुछ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बस मेरा सिलेक्शन हो गया है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, शॉर्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए, उसमें देख लीजिएगा जो ऑडिशन हुआ था वो, उधर जब मैं आ गई थी तो ये वाला फ्लैट में पहन करके गई थी और आई थी, मैं बिना हील्स के ही सबको टक्कर दे रही थी, सबको हील्स वाला पहन के आया था, एक एक उंगली हील्स वाला, बाप रे बाप, और मैं तो बिना हील्स के ही मैं उन लोगों के बराबर लग रही थी सबसे लंबी, ये वाला फ्लैट मैंने पहन लिया था, मैं उधर से आ गई थी फिर मैंने खोल दिया था ये वाला फुटवियर।